हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो X100 फ़ोन है, तो वीवो X100 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन के बैकग्राउंड रनिंग एप्स हैं, तो बैकग्राउंड रनिंग एप्स को आप कैसे बंद कर सकते हैं एंड आप बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं वीवो X100 फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं और बंद कैसे कर सकते हैं बैकग्राउंड के रनिंग एप्स को वीवो फ़ोन में, तो आज बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स एंड शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कैसे कर सकते हैं और कैसे बंद कर सकते हैं बैकग्राउंड के रनिंग एप्स, सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो सिस्टम पे चले जाना है, सॉरी अबाउट पे चले जाना है। अबाउट पे जाकर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है, जहाँ से बिल्ड नंबर्स को 3 से 4 बार टैप कर देना, इससे डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। जहाँ से सिस्टम पे चले जाना है, सिस्टम पे जाकर डेवलपर आइकन्स को ओपन कर लेना है, तो डेवलपर आइकन से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। और जो भी आप बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं बैकग्राउंड रनिंग एप्स को। यहाँ से ऐप सेटिंग्स पे जाना है, तो जो भी बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है उसको बस नो बैकग्राउंड कर देना, जिससे आपके बैकग्राउंड के जो भी रनिंग एप्स होंगे ऑफ हो जाएंगे, जो भी रनिंग पे एप्स होंगे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे क्योंकि प्रोसेस को हमने ऑफ कर दिया है। एंड आप डोंट कीप एक्टिविटीज़ को भी ऑन कर सकते हैं, जिससे जो भी एप्स की एक्टिविटीज़ होती है आपके फ़ोन में बंद हो जाएगी, जिससे कोई भी एप्स ऑटोमेटिकली लॉन्च नहीं होगा और अपडेट भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसको एक्टिविटी को ऑफ कर दिया है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड रनिंग एप्स को ऑफ कर सकते हैं वीवो X100 फ़ोन में, और आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो